हेलो दोस्तों, आपका एजुकेयर नानी चैनल में स्वागत है। और आज मैं आपको चौमिन स्टाइल में मैगी बनाना बताऊंगी और बहुत ही इजी तरीके से बनाई जाती है। तो इसके लिए मैंने लिए हैं मैगी के 3 पैकेट्स और एक जने के 1 पैकेट के हिसाब से मैंने क्वांटिटी ली है। आप जितने लोगों के लिए बनाना चाहते हैं आप उतना पर पर्सन 1 पैकेट ले सकते हैं, और अगर आप क्वांटिटी थोड़ी एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं तो आप ज्यादा पैकेट्स भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने एक कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया, ये 2 से 2.5 कप पानी है। तो सबसे पहले हम इस पानी को गर्म करेंगे, और जितने में ये गर्म होगा ये हम मैगी के पैकेट्स को ऊपर से ये काट लेंगे। और इसमें से इसके नूडल्स को हम बाहर निकाल लेंगे, और जैसे कि इसमें कि टेस्ट मेकर भी होता है इसको हम अलग रख देंगे, इसका कोई अभी यूज नहीं है। तो इसी तरीके से हम सारे पैकेट्स खाली कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने सारे पैकेट्स में से ये नूडल्स निकाल लिए हैं और पानी थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया है। तो हम इसमें ये नूडल्स इस तरीके से तोड़ के डाल देंगे, इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि नूडल्स लंबे लंबे हों तो आप इसको इस तरीके से लंबाई में काट सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि उसका साइज छोटा हो, खाने में ज्यादा बड़े बड़े नहीं आए, तो आप इसको इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं। तो मैं बड़े बड़े तरीके से ही आपको तोड़ के बता रही हूँ, जिससे लंबे लंबे नूडल्स होते हैं तो घर में लोग खाना पसंद करते हैं। इसी तरीके से हम जितनी भी मैगी है इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है, तो ये मैं 1 टेबलस्पून ऑयल इसमें डाल दूंगी, जिससे कि ये आपस में चिपके नहीं, और इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे थोड़ा सा इस तरीके से, फोक की मदद से इस तरीके से। आप ये देखिए कितने लंबे लंबे इसमें नूडल्स हैं, तो इसको आप थोड़ा थोड़ा स्टर करते रहिए, और जैसे ही इसमें बॉईल आना शुरू हो जाए तो आप आंच को थोड़ा मीडियम कर देंगे, और इसको बॉईल होने देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैगी थोड़ी ट्रांसपेरेंट होनी शुरू हो गई है। अब आप गैस को बंद कर देंगे, और आप ये देखेंगे कि मैगी को बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि अगर हम नूडल्स को ज्यादा पका देंगे तो जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये टूट सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा खड़ा रखना है इसकी कंसिस्टेंसी को। तो दोस्तों, ये हमारी जो मैगी बॉईल हो गई थी उसको हम इस तरह से ड्रेन कर लेंगे, छान लेंगे, उसके पानी को अलग कर देंगे। और ड्रेन होने के बाद में इसकी कुकिंग रोकने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी या फिर ठंडा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे इसका कुकिंग रुक जाएगी और ये बहुत ज्यादा गलेगी नहीं, इससे ये खड़ी रहेगी। इस तरह से हम इसको अच्छे से, और इसको हम एक साइड में रख देंगे। दोस्तों, मैगी बॉईल हो जाने के बाद उसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और इसी बीच हम अनियन, ये हमने प्याज ली है, प्याज के हम इस तरह से स्लाइसेस काट लेंगे, जूलियंस काट लेंगे। ये मैंने एक बड़ी प्याज ली है, और ये शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च को भी हम लंबा लंबा काट लेंगे। आपने देखा होगा चाउमीन में सारे स्लाइसेस लंबे लंबे होते हैं, तो हम उसी तरीके से काटेंगे। और ये मैंने गाजर कद्दूकस करके रख ली है, आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी जूलियंस की तरह है बिल्कुल लच्छेदार। और साथ में हमने ली है बंद गोभी, तो बंद गोभी को भी हमने अच्छे से उसी तरीके से स्लाइस कर लिया है। और इसके बाद में हम इसमें लेंगे हरी मिर्च, तो ये हमने हरी मिर्च काट ली है, 1 हरी मिर्च ली है हमने। बाकी आप अपने स्वाद अनुसार जो चिली ज्यादा खाना पसंद करते हैं, स्पाइसी ज्यादा खाना पसंद करते हैं, वो ज्यादा भी डाल सकते हैं। और साथ में मैंने ली है हरी मटर, ये बॉईल करके रख ली थी मैंने पहले से ही, तो ये इससे और ज्यादा उसकी लुक भी अच्छी लगती है नूडल्स की, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और साथ ही साथ इसके लिए हमें चाहिएगा ये मैगी का हॉट एंड स्वीट सॉस, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। साथ ही साथ हम इसमें लेंगे सोया सॉस,
जो कि चाउमीन में डेफिनेटली डलता ही डलता है। इससे इसका टेस्ट और कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और हम साथ में लेंगे एक सॉस और, जो है मैगी की रिच टोमेटो केचप। तो इसमें हल्की सी मिठास देनी भी जरूरी हो जाती है, तो हम ये लेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसको हम बनाना। तो दोस्तों ये कढ़ाई हमने ले ली है और हमने इसको गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा हाफ और ऐड कर रही हूँ इसमें। और जैसे ही ये गर्म होने लगेगा तो हम लेंगे अदरक। अदरक से इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है नूडल्स का। तो हम इसमें कद्दूकस कर देंगे इस तरीके से। ये हम कद्दूकस करके इसमें डाल देंगे। और जैसे ही अदरक स्प्रिंकल होने लगेगा इसमें हम ऐड कर देंगे अनियन। प्याज को हम इसमें ऐड कर देंगे। और हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए प्याज हमारी भून चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैप्सिकम और उसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, शैलो फ्राई करनी है इसको। अब हम इसके अंदर ये गाजर ऐड कर देंगे। और हम इसको भी अच्छे से फ्राई कर देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे कलर आ रहे हैं इसमें। और अब बारी है बंद गोभी की, ये भी हम सारी डाल देंगे इसमें। और इसको भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करेंगे। और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दोस्तों इसके अंदर हम 1 से 1.5 टेबल स्पून सॉस ऐड करेंगे। थोड़ी आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। ये हमने हॉट एंड स्वीट डाली है पहले, ये इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे देगी। और अब हम ये जो मैगी के नूडल्स थे, तो ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ये कैसे हैं। ये देखिए ठंडे हो चुके हैं, कितने लंबे लंबे नूडल्स हैं बिल्कुल। तो ये खिले खिले बने हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और हम इसको बहुत अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और आंच को हम थोड़ी सी मीडियम कर देंगे। अब बारी है इसमें सोया सॉस डालने की, ये भी हम 1 से 1.5 स्पून डाल देंगे। और इसको अच्छे से चला लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आना शुरू हो गया है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी रिच टमाटो केचप, बिल्कुल 1/2 टेबल स्पून डालेंगे आप। ये बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि मीठी होती है। देखिए बिल्कुल चाउमीन जैसा लुक आया है इसका।
अगर आपके पास चौमिन नहीं है, नूडल्स नहीं है चौमिन वाले, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मैगी हर घर में ज्यादातर मिल जाती है और मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होती है, तो आप उसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो स्वाद अनुसार आप इसमें नमक डाल देंगे, और हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च डाल देंगे, ये भी स्वाद अनुसार जिस तरह से आप डालना चाहते हैं। मैंने इसमें हाफ टेबल स्पून डाला है, बाकी स्वाद अनुसार आप उसको बढ़ा भी सकते हैं अगर आप स्पाइसी खाते हैं थोड़ा। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने बॉइल्ड मटर रखी थी, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, जो इसका लुक और फ्लेवर और ज्यादा एनहेंस कर देंगे। इसको भी हम बहुत अच्छे से ऐड मिक्स कर लेंगे इसमें। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये सारे वेजिटेबल्स। और अगर आप बच्चों को मैगी इस वे में बनाकर खिलाएंगे तो बच्चों को एकदम चौमिन स्टाइल में भी लगेगी और बहुत सारी वेजीज बच्चों के पेट में पहुंच जाएगी और वो उन्हें बहुत ज्यादा फायदा भी पहुंचाएगी। तो जिस तरीके से कही जाती है कि मैगी नुकसान करती है, लेकिन अगर आप इतनी सारी वेजीज के साथ में बड़ों को या बच्चों को खिलाते हैं तो ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती है। ये देखिए कितना ज्यादा उनके पेट में वेजीज पहुंच जाती हैं, कितने सारे वेजिटेबल्स पहुंच जाते हैं और नुकसान भी नहीं करती है। तो ये बिल्कुल अब रेडी है। इसको थोड़ा सा हम और गर्म होने के लिए रख देंगे, जिससे कि हम गरम गरम एकदम सर्व कर पाए। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल एकदम तैयार है गर्मा गर्म मैगी, बिल्कुल ही चौमिन स्टाइल में और विद फुल ऑफ वेजीज, बिल्कुल हेल्दी। तो आज ही आप इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए, हमें इंस्पायर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।